हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ काम करने में और अब अत्यंत खुशी से बताना पड़ रहा है कि मेरा कोड भी आ गया है। मतलब क्या बोलते हैं, 6 डिजिट कोड भी आ गया है। तो मेरा चैनल मोनेटाइज तो पहले ही था, अब कोड भी आ गया है, तो इसके लिए आप सबको धन्यवाद। तो इस विशेष अवसर पर मैं आपको एक ज्ञान देना चाहूँगा। एक बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो मेरे साथ घटी है, उसको बताना चाहूँगा मैं आपको कि लोन माफ़ आराम से हो जाता है। अगर आपने 3 या 4-5 लाख का लोन लिया हुआ है, आपके घर में किसी ने लोन लिया हुआ है और वो लोन अनसिक्योर है, मतलब प्रॉपर्टी बेस पे लोन नहीं लिया हुआ, ठीक है, गाड़ी बेस पे लोन नहीं लिया हुआ है, प्रॉपर्टी बेस पे लोन लेंगे तो वो माफ़ नहीं होगा। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बेच के लोन रिकवर कर लेगी, गाड़ी बेच के लोन रिकवर कर लेगी। लेकिन अगर आपने अनसिक्योर लोन लिया है, ऐसी लोन लिया है और अब पैसा आप डेयरी के नाम से लोन लिया है, बाई चांस दुकान के नाम से लोन लिया है, ढाबा के होटल के नाम से लोन लिया है, तो आपका लोन आराम से माफ़ हो सकता है, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बैंक को दे दीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। पैसे हैं तो दे दीजिए, नहीं है तो कहाँ से देंगे। लेकिन आपको अंदर डर रहता है कि घर अब लोन नहीं पटा पा रहा हूँ, क्या हो जाएगा, बैंक वाले क्या करेंगे, क्योंकि करेंगे घर का क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते घर वाले, बैंक वाले कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट से आपके पास नोटिस आता है तो कोर्ट नहीं भेजती है आप, आपको बैंक वाले बोलते होंगे कि सर कोर्ट से नोटिस आएगा तो आप क्या करोगे। कोर्ट से नोटिस नहीं आता, कोर्ट को आपके बैंक के लोन से मतलब नहीं है। कोर्ट का साफ कहना है कि लोन आपने दिया, हमें इस बारे में कुछ मतलब नहीं, आप जाने आपका काम। हाँ, आप हमारे माध्यम से उनको नोटिस भेज सकते हो कोर्ट के लोक अदालत का, बाकी कोर्ट को इस मामले से आप लोन दो लोन ना दो वो कोर्ट को कोई मतलब नहीं है। बस सिर्फ वो पैसा 400 BC का नहीं होना चाहिए, जनता का पैसा लूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको पर्सनली लोन से कोर्ट को कोई मतलब नहीं है। तो करना क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपने जितने का भी लोन लिया है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, ठीक है, लोन ऑफिसर आता होगा आपके पास में, आप लोन पटा नहीं पा रहे होंगे तो लोन ऑफिसर आता होगा, उससे कह दीजिएगा सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास पैसा है, जितना पैसा भी हुआ है वो मेरे घर के खर्च के लिए है, मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, मैं लोन नहीं दे सकता, मेरे लोन में सब्सिडी दे दी जाए। हर बैंक में सब्सिडी होती है, हर लोन में सब्सिडी होती है, ये होती है, किसी में 10%, किसी में 12, किसी में 15, किसी में 20% तक सब्सिडी रहती है लोन में। मतलब किसी ने 1 लाख का लोन लिया, उसको 25% सब्सिडी मिल गया, तो मतलब उसको 75,000 ही पटाना है। तो ऐसा लोन, ऐसा इस प्रकार लोन में बैंक वाले क्या करते हैं, उसको ना 25 नहीं देके 20 देंगे, 5% सब्सिडी बचा लेते हैं अपने काम के लिए, ताकि जानते हैं कि कई जगह लोन माफ़ करना पड़ता है उनको। तो ऐसे करते करते 5-5%, 2-2% करते करते बैंक के पास लाखों रुपए के लिए सब्सिडी इस हाल में बच जाती है। तो ये 2023 है, मैंने 2022 में लगभग मेरे दो दोस्तों का लोन माफ़ हुआ, मेरे पास आए थे, उन्होंने पूछा था कि प्रतुल भाई आप बताओ कैसे लोन माफ़ करो, मेरा लोन क्लियर नहीं हो पा रहा है और दबाव डेली बैंक का फ़ोन आता है, बैंक वाले डेली घर आ जाते हैं। तो बोलना जब भी वो आए तो एक ही बात बोलना, और आप भी यही बोलना, पैसा नहीं है हमारे पास, आप देख सकते हैं हमारा हर कुछ देख सकते हैं, जितना पैसा है खाने के लिए हम पैसा नहीं दे पाएंगे, हमको लोन माफ़ कर, हमारे लोन में सब्सिडी दे दी जाए। वो पहले नहीं बोलेगा, ठीक है, फिर वो चला जाएगा, फिर जब भी आएगा 5-6 महीने बाद 2 महीने बाद उसको फिर से बोलो सर पैसा है ही नहीं हमारे पास, हमारी हालत बहुत ख़राब है, आप हमारे लोन में सब्सिडी दे जाए, वो भी बोलेगा सब्सिडी नहीं होता बल्कि। लेकिन जब वो ऑफिस जाएगा और जब आपके लोन के बारे में इंक्वायरी करेगा, पूछेगा बीएम पूछेगा इन लोगों का लोन तो क्या हुआ, सर इन लोगों तो पेड हो नहीं पा रहा, ये लोग सब्सिडी मांग रहे हैं बोलेगा। अगर उस बैंक में उनके पास सब्सिडी बची हुई होती होती है, हर बैंक में कम से कम साल की 15-20 लाख या 25-30 लाख रुपये की सब्सिडी बच जाती है, वो किसी काम की नहीं होती, वो वापस बैंक में आ जाती है, उस बैंक में सब्सिडी बची ही होगी, तो उस बची सब्सिडी जैसे सब्सिडी बच गई है तो अब बताएगा क्लाइंट कौन है, ये है सर जिसने शुरू में पैसा दिया, आज इसका काम बंद हो गया तब से पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है, ये लॉयल डिफॉल्टर है। एक होता है जनरल प्रॉपर डिफॉल्टर आप नहीं हो, आपने 4-5 किस्त पटाया है तो आप लॉयल डिफॉल्टर हो, और आपने बिल्कुल किस्त नहीं पटाया तो आप प्रॉपर डिफॉल्टर हो। तो प्रॉपर डिफॉल्टर लोगों का केस में वो माफ़ नहीं करेगा, लेकिन लॉयल डिफॉल्टर केस में
वो आपको सब्सिडी दे देगा, आपको एक पैसे चौवन्नी नहीं देना आपको, आपका लोन पूरा माफ़ हो जाएगा, पूरा ए टू जेड 5 लाख तक का लोन माफ़ हो सकता है। उसके आगे अगर आप मैंने कभी कराया नहीं है या मेरे किसी परिचय का हुआ है, तो 5 लाख तक का लोन अगर आपके पास है, टोटली 5 लाख का लोन पूरा सब्सिडी में चला जाएगा गुम करके, आपको एक पैसा नहीं दे देना, आप कर्ज मुक्त हो गए, आपको सब कुछ माफ़ हो जाएगा। तो ये बहुत इंटरेस्ट से बात है दोस्तों, ध्यान रखो, जब भी बैंक वाला है उसको बोलो सब्सिडी दे दे, और वाकई आपके पास पैसा नहीं होना चाहिए, और आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर होना चाहिए। मतलब जेन्युइन डिफॉल्टर मतलब आपने पैसे दिए हैं और अब काम धंधा बंद हुआ तो कहाँ से घर बेच के थोड़ा लोन देंगे अपन यार, लिए थे लोन नहीं दे पा रहे हैं क्या वो आप, तो आप घबराइए मतलब, लोन माफ़ होता है, हज़ारों का हुआ है। मेरे सामने मेरे दो दोस्तों का लोन माफ़ हुआ है, एक ने डेरिक ले लिया था, एक ने होटल का ले लिया था, दोनों का लोन माफ़ हो गया। मैंने उनको बोला आप आएंगे तो उनको ये बोल देना पैसा नहीं है, हमारा लोन में सब्सिडी दे दो, हमको जहाँ जाना है आप ले जाओ, ना जेल करा सकता है आपको, कोर्ट को कोई मतलब ही नहीं है, सीधा बात है, कोर्ट से आपको नोटिस भेज सकता है, आपको लोक अदालत जाने की जरूरत भी नहीं है, पहले बता रहा हूँ, लोक अदालत का नोटिस आएगा फाड़ के फेंक देना, कोई मतलब जाना ही मत वहाँ पर, आपको कुछ नहीं होता है, कोर्ट को मतलब ही नहीं है आपके लोन से, पहले बता रहा हूँ, कोर्ट को न्यायपालिका को आपके लोन से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ भेज सकते हैं, बाकी कुछ भी कानूनी कार्रवाई आपके आपके साथ साथ नहीं होगी। तो आप बेफिक्र हो जाओ, मेरे आपने सब्सक्राइबर है, आज मेरा पिन आ गया, गूगल पिन आ गया, तो मैं इसी खुशी में ये एक न्यूज़ देना चाहता हूँ जिसकी मुझे जानकारी थी। ये 2023 में आपका लोन आराम से आपके आपके घर वाले या पड़ोसी या आपके दोस्त किसी ने भी लोन लिया और डरा हुआ है कि लोन उसके सर पे है, घबराए, टेंशन है, तो बोलिए बिल्कुल मुस्कुरा दीजिए कि अपना प्रतुल भाई इतनी खबर ऐसी लेके आया है कि आपकी हर प्रॉब्लम सरल कर देगा, आपके चेहरे की हंसी में डबल कर दूंगा। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, 5 लाख का लोन है तो पूरा का पूरा माफ़ होगा, एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपको बस आप जेन्युइन होना चाहिए, वाकई आपके पास पैसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 3-1 लाख रुपया है, दिक्कत नहीं है, आपका पैसा नहीं है पटाने लायक, 3 लाख रुपया आपके घर में बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च के लिए है, घर बनाने के लिए, वो पैसा नहीं देने का है। हाँ, आपके पास 10 लाख रुपया 12 लाख रुपया है, कहीं ज़मीन बिकी तो अलग बात है, लोन पटा दो आप, मैं ऐसा नहीं बोलता कि लोन नहीं पटाओ, लोन पटा दो, लेकिन नहीं है तो मत पटाओ और घबराओ भी मत। तो मेरी बात समझ गई, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, तो आज ज़्यादा नहीं बोलता मैं, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे रहिएगा और वीडियो